मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 11 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो, तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है, राज ऋषि माना ही पवित्र। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो, तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है, राज ऋषि माना ही पवित्र। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न किया है कि तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे। तो बाबा ने उत्तर में बताया कि जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे, तभी तो निकालेंगे ना किसी को बाहर, जब हम खुद बाहर होंगे। तो बाबा कहते हैं, दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना रहे, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, यह लालच ना हो, तुम पूरा ही बनवाह में हो, इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। खुद सारे विकारों से निकले हुए होंगे, आसक्तियों से निकले हुए होंगे, तभी तो दूसरों को बाहर निकाल पाएंगे ना। तो बाबा कहते, ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। और आज मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे, अब बताओ कि तुम कब से राह भूले हो। बाबा जब साकार बाबा थे तो जब गीत बजाते थे तो पूछते थे, अच्छा ये कैसे, जो भी मुरली में गीत बजता था उससे प्रश्न पूछते थे। तो बाबा कहते, अच्छा बताओ फिर कब से राह भूले हो। तो कोई कहता था बाबा द्वापर से, कोई कहता सतयुग से। तो बाबा कहते, जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वे रॉन्ग हैं, सतयुग से राह भूले हैं, क्योंकि सतयुग से ही तो नीचे गिरना शुरू हो गए ना, सीढ़ी उतरना शुरू हो गए। बाबा कहते, राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है, सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं, वहां कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं, भूलना भी ड्रामा में नूंद है, फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना प्रभु राह बताओ, तो हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। बाबा कहते, ये ज्ञान ही निराला है ना, ज्ञान का सागर बाप ही है, बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ, तुम भी जानते हो, बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है, यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। बाबा कहते, पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम, अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन बताए, ये बाप ही आकर समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है तब तो बुलाते हैं, तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है, बाप कल्प कल्प आते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं, कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते, ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूँ, पाठ बजाया है, ड्रामा को वह जानते ही नहीं, करके लाखों हजार वर्ष कहे फिर भी ड्रामा तो है ना, ड्रामा रिपीट होता है, यह तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं, तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है, शिव बाबा का ये बच्चा भी है
और बन्नी भी है, बन्नी माना स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ब्रह्मा बाबा जब अकेले थे तो इतने बच्चे थे, भाई बहन थे, छोटे बच्चे थे, तो अपनी मदद के लिए, क्योंकि मम्मा उनकी पहली स्टूडेंट बनी, तो मदद के लिए मम्मा को आगे किया, निमित्त बनाया, उनको सारा कार्यभार दिया। तो बाबा कहते उनको मददगार बनाया तो सरस्वती नाम दिया। तो क्यों मददगार बनाया? कि बच्चों को संभालो। बाबा कहते ये बातें शास्त्रों में नहीं है, ये है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं, जिनको राजयोग सिखाया वह राजाए बने। 84 जन्मों में आए, बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो तुम बहुत हो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो, योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो, यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना, स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो, भगवान पढ़ाते हैं, यह समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो, पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका अर्थात पौड़ी स्टेप एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं, यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है, यह बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है, तब कहते हैं बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। बाबा कहते तुम सुख धाम में हो तो कोई तुम्हारे लिए वहां सुख शांति भी है, वहां कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान हैं, एक शांति धाम और दूसरा सुख धाम। बाबा कहते दुख धाम में अशांति है, यह पढ़ाई है, और तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है, यह खुशी है, शांति की खुशी नहीं, पाठ बजाने में हमको मजा आता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं कि हमको पाठ बजाने में मजा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले। बाबा कहते ये अक्षर भी रॉन्ग है, नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हों, शांत तो मन रह ना सके, कर्म बिगर रह नहीं सकते, बाकी महसूसता आती है, हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते ये तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता, मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं, सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो, यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है, यहाँ आते ही हैं कर्म करने, कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो यह समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं, निराकार भगवानुवाच। क्या कहते हैं बाबा? अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है, परम आत्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है।
वह बाप ही सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है, जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने पाठ बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते हैं सन्यासी कहेंगे कि ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है, बाबा कहते हैं वो तो रहने का स्थान है। कौन सा स्थान? जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं, बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाएं। ब्रह्म महतत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं, बाप भी वहां रहते हैं, वह भी है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें? बाबा कहते आधा कल तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो ना सके। इनका मंदिर कैसे बनाएंगे बिंदी का? बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, उस बिंदी को बड़ा बनाकर शिवलिंग के रूप में बनाते हैं। बाकी आत्माओं के सालीग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया कि परमात्मा बिंदी मिसल है? बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था, सत्ययुग में तो पाठ ही नहीं था। बाबा कहते अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई के भी कायदे हैं ना, रूल रेगुलेशन हैं, जिस लेवल का बच्चा होगा उसी लेवल से शुरू करेंगे ना। तो बाबा कहते कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो। अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। बाबा कहते एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे ना, ये सब हैं नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो हैं बाप बैठ सार बताते हैं, बाबा सब वेदों का सार बताते हैं, बस क्रक्स निकाल के बता देते हैं। बाबा कहते यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। बाबा कहते फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे, यह भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं, बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुणने के पानी का मिसाल देते हैं, भक्ति भी सुनहरी आकर्षक बहुत है। बाप कहते हैं यह रुणने का पानी है, इस दुबन में फंस जाते हैं फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालें फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े, आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती, और चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। बाबा कहते कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकलने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता, अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरों को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। देखो बाबा ने यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। बाबा कहते हैं भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना, अर्जुन साथ रहने वाला था, अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है। बाबा कहते हैं अर्जुन कोई वो एक करेक्टर नहीं है जो महाभारत की कहानी में है। बाबा कहते हैं अर्जुन आप सब हो, जो बाप के साथ रहते हैं वही अर्जुन है। तो बाबा कहते साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। यहाँ पर भील की जो कहानी में भील था वो आश्रम के बाहर रहते हुए भी गुरु को याद करते करते अर्जुन से तीखा चला गया। इसमें बाबा ने कंपैरिजन किया है कि जो बांधेलियाँ हैं जो बाहर रहती हैं, मींस सेंटर्स में नहीं आ सकती हैं या प्रवृत्ति मार्ग में जो रहते हैं,
ठीक है, मधुबन में तो हम समर्पित भाई बहन रहते हैं। तो बाबा कहते हैं भील कौन हो गया, वो वाले जिनकी बुद्धि, मन और बुद्धि बाप के साथ लगा हुआ लेकिन बाहर रहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो वो अपनी प्रैक्टिस से अर्जुन से भी तीखे चले गए। कितनी सुंदर सटीक उदाहरण दिए बाबा ने, बहुत ही अच्छी उदाहरण। तो देखो बाबा का कहने का मतलब है कि मन और बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है, रहने का स्थान कोई भी हो। तो बाबा कहते दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है, बात हम सब बच्चों की है, बताने के लिए दृष्टांत एक ही सीन के बारे में बताया। बाबा कहते तीर भी यह ज्ञान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं, और कोई की याद तो नहीं आती है, अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती, यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं यहाँ पर चीज़ों की इच्छा रखोगे तो वहाँ कम मिलेगी, क्यों, यहाँ पर अगर इच्छाएं रखेंगे तो मन बुद्धि तो इच्छाओं की तरफ चला गया, बाप के साथ तो योग कम हो गया, बाप के साथ योग कम हो गया तो सुख धाम में प्राप्ति कम हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों से बुद्धि को डिटैच करना है, बाप में जोड़ना है। तो यहाँ पर जितना बुद्धि को बाप के साथ जोड़ेंगे उतना ही सुख की दुनिया में ज्यादा सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। तो बाबा कहते हैं हमको यहाँ तो बनवाह में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसा क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहां बीके को देकर आई है, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयां भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं। बाबा कहते हैं दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैश्यालय है, हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ, वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, आत्मा की ही महिमा है, आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना बना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते ये मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है, हम आत्मा भाई भाई हैं यह भूल जाते हैं, बाकी चीज़ें याद रहती हैं लेकिन मैं आत्मा भाई भाई हूँ आत्मिक रूप में ये भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ इनकी आत्मा भी जानती है, बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ, पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि पहले मैं सुनता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ मुख से, पर बच्चों के कल्याण के अर्थ क्या कहता हूँ कि तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है, जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी बच्चा हूँ तो मैं भी विचार सागर मंथन करता हूँ, और मंथन करना आप सब बच्चों का काम है। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं पहले नंबर में कैसे जाएंगे, इसलिए अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है, आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, यहाँ बिल्कुल बनवाह में रहना है, कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और सेकंड है, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपनी शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया, हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा
ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। संपूर्ण वफादार कौन होंगे? जो सब कुछ सफल करने वाले हैं, अपने संकल्प भी, समय भी और कर्म भी। स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। ओम शांति।